हाय गाइस, आई एम भाग्यश्री। वेलकम टू कुक विद शगुन। तो फ्रेंड्स, गर्मी के दिनों में हमें कुछ ठंडा पीने का मन होता है, तो आज हम बनाएंगे वरियाली यानी सौंफ का शरबत, जो पीने में तो आपको ठंडा लगेगा बट आपके शरीर को वो अलग ही ठंडक देगा और ये शरीर के लिए बहुत ही लाभदायी है। तो आज हम बनाएंगे वरियाली का ये शरबत। तो सबसे पहले आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे क्या होगा कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँगी आपको वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए हम बनाते हैं सौंफ का शरबत। यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है, छोटा वाला, उसके अंदर मैंने डाला है 100 ग्राम सौंफ है, ये बड़ी वाली सौंफ है। आपके पास छोटी वाली हो तो वो भी ले सकते हो, एक कप से थोड़ा सा ये कम है। तो इसको मैं 2-3 बार पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी, इससे क्या होगा कि इसके अंदर जो भी कचरा हो सब निकल जाएगा। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद उसमें मैं डालूँगी 1 गिलास पानी, और 1 गिलास पानी में मैं उसको 6 से 7 घंटे तक इसको भिगो के रखूँगी। आप चाहे तो उसको पूरी रात भी उसको भिगो के रख सकते हो। गर्मियों के दिनों में ये बहुत ही शरीर के लिए लाभदायी होता है, ये बहुत शरीर को ठंडक भी देता है। तो चलिए, मैं उसमें 1 गिलास पानी डाला है, अब इसको मैं रेस्ट करने दूंगी 6 से 7 घंटे तक। 6 से 7 घंटे के बाद आप देख सकते हो एकदम फूल चुकी है, पानी उसने पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे, उसको मिक्सी में चला के उसका एक महीन पेस्ट बना लेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने ये बड़ी वाली शक्कर ली है, कैंडी शुगर ली है, ये भी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, ये भी शरीर को ठंडक प्रदान करती है। तो मैं इसका एक पाउडर बना दूंगी। बड़ी वाली शक्कर का हमने एक बहुत ही अच्छा एक पाउडर तैयार कर लिया है। अब इसी मिक्सी जार में हमने जो भिगोई थी सौंफ वो हम इसमें डाल देंगे। अब इसका भी हम एक महीन पेस्ट तैयार कर लेंगे। उसमें जो भी पानी है उसके साथ ही आप इसकी पेस्ट बना लीजिए, अगर चाहे अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा और पानी इसमें ऐड करके पेस्ट बना लीजिए। यहाँ पे मैंने पेस्ट एकदम रेडी कर लिए। आप चाहो तो इस पेस्ट को एक एयरटाइट डब्बे में भर के उसको 15 दिन तक उसको फ्रीज़र में रखे और स्टोर करके उसके बाद आप जब भी चाहो तब इससे शरबत बना सकते हो। इसमें हमें जो आगे जो इंग्रेडिएंट्स उसमें मिलाने हैं वो मिला के इससे आप अच्छी तरह से शरबत बना सकते हो, ये स्टोर भी हो सकता है। तो चलिए हम शरबत बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक बड़े वाले बाउल में मैंने यहाँ पे 1.25 लीटर पानी लिया है, और ये पानी ठंडा पानी है, और इसमें हमने जो भी सौंफ की जो पेस्ट तैयार की थी वो हम पूरी की पूरी इसमें डाल देंगे, और इसको अच्छी तरह से हमें इसमें मिला देना है। हमारा सौंफ का जो पेस्ट था हमने पानी में डाल के उसको अच्छी तरह से मिला लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो बड़ी वाली शक्कर थी उसका हमने जो पाउडर तैयार किया था वो हम इसमें डाल देंगे और उसको अच्छी तरह से हिला देंगे जब तक ये इसमें पिघल ना जाए। यहाँ पे मैंने 2 नींबू लिए हैं, इस नींबू का मैं रस निकाल दूंगी, उसके बाद हम ये रस उसमें डाल देंगे शरबत में, इससे एक शरबत का बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आएगा। और यहाँ पे मैंने आधी छोटी चम्मच जो सेंधा नमक होता है वो डाला है, और यहाँ पे आधी छोटी चम्मच मैंने डाला है जीरा पाउडर। मैंने जीरे को पहले तवे पे सेक दिया था, उसके बाद मैंने उसका पाउडर बना लिया था। अब उसको अच्छी तरह से एक मिक्स दे देंगे। तो हमारा ये सौंफ का शरबत, वलियारी शरबत तैयार हो चुका है। इसको मैं एक बार बड़ी छन्नी से इसको छान लूँगी, और यहाँ पे जो उसका जो पेस्ट बचा है ऊपर का, इसको हम दबा के इसके अंदर जो भी शरबत है वो हम निकाल देंगे। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं रहा है, सौंफ का जो भी था वो सब कुछ इस शरबत में आ चुका है। तो हमारा ये शरबत, अभी वरियाली का शरबत हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है।
आप इसमें आइस क्यूब डाल के उसको सर्व कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप में उसको शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।